Assalamualaikum. Good morning, the students of class 6. Open your page number 1. On page number 1, we have some more revision about fractions. In today's class, we learn about equivalent fractions. Students, equivalent fractions के बारे में जो है already आप अपनी previous class में learn कर चुके हैं, but यहाँ मैं आपको again explain करूँगी, then हम आगे continue करेंगे. Equivalent fractions, equivalent means होते हैं बराबर के, और equivalent fractions के meaning होते हैं बराबर के fraction. If we multiply or divide both the numerator and the denominator of the given fraction, अगर हम multiply और divide करें numerator और denominator दोनों को दिए गए fraction से by a non-zero number, non-zero number से, non-zero means zero के अलावा आप किसी भी number का use कर सकते हैं, we get a fraction, तो हमें एक fraction हासिल होता है, which is said to be an equivalent fraction of the given fraction, जो कि क्या कहला रहा होता है, एक equivalent fraction कहला रहा होता है दिए गए fraction का. The following are the equivalent fractions. ये जो आपके पास two fractions given है या आपको example given है equivalent fractions की, ये example जो है मैं आपको separately explain करूँगी ताकि आपको equivalent fractions को बनाने का way और उसकी definition अच्छे से clear हो जाए, okay? Example of equivalent fraction. ठीक है स्टूडेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाने के दो तरीके होते हैं, मींस हम दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड जो है वो आपका है बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड, और सेकंड मेथड जो है आपका वो है बाय डिवीजन मेथड. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप मल्टीप्लिकेशन मेथड का कब यूज़ करेंगे एंड डिवीजन मेथड का कब यूज़ करेंगे. हम मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जब यूज़ करते हैं जब दिया गया फ्रैक्शन जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू में हो, तो हम मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं, और डिवीजन मेथड का हम जब यूज़ करते हैं जब दिया गया फ्रैक्शन जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू रखता हो. स्टूडेंट, ये चीज़ जो है मैं आपको ऑलरेडी आपकी प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. अगर हमारे पास जो भी डिवीजन गिवन है उसका डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है या डिनोमिनेटर का जो डिजिट है वो स्मॉल हो, तो इट मींस वो लार्जेस्ट वैल्यू रखता है. इसी तरीके से जो दिया गया फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर का जो भी नंबर आपके पास या जो भी डिजिट आपके पास गिवन है अगर वो बिग हो तो इट मींस वो स्मॉलेस्ट वैल्यू रखता है, ओके okay? तो इसीलिए जो है मैंने आप सभी कहा कि मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब दिया गया फ्रैक्शन जो है लार्जेस्ट वैल्यू रखता हो, तो हम मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं. और डिवीजन मेथड में मैंने आपसे ये कहा कि जब आपके पास दिया गया फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू रखता हो तो हम डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे, ओके. आई होप आपको ये मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गया. अब मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरीके से मेक करते हैं उसका तरीका बता रही हूँ. फ्रैक्शन क्या गिवन है हमें, 2/3 हमें फ्रैक्शन गिवन है. इसका मैं फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने जा रही हूँ. जो दिया गया फ्रैक्शन है मैं उसको एज इट इज़ कॉपी करूँगी, ओके. देन मैं मल्टीप्लाई के साइन राइट करने जा रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ मल्टीप्लीकेशन मेथड ही अप्लाई कर रही हूँ. स्टूडेंट, उन्होंने हमसे ये कहा कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय नॉन ज़ीरो नंबर से, यानी कि ज़ीरो के अलावा हम किसी भी नंबर का यूज़ कर सकते हैं, तो 1 हम यूजअली करते नहीं हैं, तो डायरेक्टली हम किसका यूज़ करेंगे, 2 का. और जब हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ओके. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसी फ्रैक्शन का जो है वो सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएं तो आप किस तरीके से बनाएंगे उसे. स्टूडेंट, जो फर्स्ट आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेक हुआ है आप उसी का यूज़ करेंगे, अगेन कॉपी किया, देन आपने मल्टीप्लिकेशन की साइन यूज़ की क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के मेथड की बात हो रही है, और देन हम 2 को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो हम 3 का यूज़ करने जा रहे हैं, ओके. क्योंकि वहाँ बात हो रही थी बाय नॉन ज़ीरो नंबर, यानी कि 0 के अलावा आप किसी भी नंबर का यूज़ कर सकते हैं, ओके. जब मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18. सो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है वो है 2/3, और जो मैंने 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड वो है 4/6 एंड 12/18. सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये आपके पास गिवन फ्रैक्शन है और ये 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जो कि हमने खुद मेक किए हैं. स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करती चलूँ, जब भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं तो हम उसे चेक भी कर सकते हैं कि वो हमने बिल्कुल करेक्ट बनाए हैं या नहीं, या हमने जो है दिया गया फ्रैक्शन है उसके बराबर है या नहीं. तो उसको चेक करने का वे ये है कि हम एक रफ कॉलम मेक करते हैं और उसके अंदर जो है वो फर्स्ट 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करने जा रही हूँ मैं,
फोर अपॉन सिक्स। और इसको चेक करने का वे ये है कि जब जो भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओगे आप उसे राइट करोगे, देन उसके ऊपर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जो है वो आपको ऑलरेडी लर्न है, तो इसलिए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फोर अपॉन सिक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इट मीन्स फोर अपॉन सिक्स हमारे पास सेम टेबल में आना चाहिए, और वो सेम टेबल कौन सा है, वो टेबल है टू का। टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, टू अपॉन थ्री। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जब हमने फर्स्ट इक्विवेलेंट वैलेंस को चेक किया तो इट मीन्स वहाँ आंसर क्या आ रहा है, टू अपॉन थ्री। तो इट मीन्स जो हमारे पास दिया गया फ्रैक्शन है वो और जो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आने वाला फ्रैक्शन जो है वो दोनों सिमिलर है। तो इट मीन्स जो फर्स्ट वन फ्रैक्शन हमने इक्विवेलेंट बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से हम सेकेंड वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करेंगे, 12 अपॉन 18, देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 से, क्योंकि 6 के ही टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18, 2 अपॉन 3। सो स्टूडेंट आप यहाँ भी देख सकते हैं 2 अपॉन 3 ही आंसर आ रहा है, यानी कि जो गिवन फ्रैक्शन था, फर्स्ट वन फ्रैक्शन हमें गिवन था, बिल्कुल सेम उसी के सिमिलर आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वही फ्रैक्शन है, न्यूमिरेटर भी वही है और डिनोमिनेटर भी वही है। तो इट मीन्स जो हमने सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने दोनों को जब चेक किया तो वो बिल्कुल उसके ही इक्विवेलेंट आ रहा है, मतलब उसके ही बराबर आ रहा है जो कि हमें फ्रैक्शन दिया हुआ था। तो इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, मीन्स फर्स्ट जो गिवन है वो 2/3 है और 2 जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम डिवीजन मेथड की करने जा रहे हैं, तो मैं आपको डिवीजन मेथड का यूज़ करने बताऊंगी कि हम कैसे डिवीजन मेथड से जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेक करते हैं। फर्स्ट वन फ्रैक्शन क्या गिवन है हमें, 24/36। अगेन मैं इसको कॉपी करूंगी क्योंकि दिए गए फ्रैक्शन से ही जो है वो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेक करते हैं। अब डिवीजन मेथड की बात हो रही है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिवाइड की साइन का ही यूज़ करेंगे। और फिर अगेन मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रही हूँ कि बाय नॉन ज़ीरो नंबर, यानी कि ज़ीरो के अलावा जो है वो आप किसी भी नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ मैं टू का ही यूज़ करने जा रही हूँ। ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू का इसलिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम क्योंकि वो सबसे ईजी वे होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का। ओके स्टूडेंट, एक बात मैं आपको और क्लियर करती चलूँ, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मेथड दोनों में ही जब भी हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करते हैं। इसी तरीके से जो है जब भी हम मल्टीप्लाई के लिए या डिवाइड के लिए जो भी डिजिट का यूज़ करते हैं वो हम दोनों साइड्स पे करते हैं, लाइक दिस। जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड में किया हुआ, मैंने न्यूमिरेटर से भी किया हुआ है और डिनोमिनेटर से भी किया हुआ, और यहाँ पर भी मैंने न्यूमिरेटर से भी किया हुआ है और डिनोमिनेटर से भी उसको डिवाइड किया हुआ है। मेरा डिजिट सेम है, डिजिट चेंज नहीं है, साइन भी सेम है और डिजिट भी सेम है। जब मैंने 2 को 24 से डिवाइड किया, मींस 2 के टेबल में 24 कब आता है, 12 टाइम आता है, तो मैंने 12 राइट किया। देन 2 के टेबल में 36 कब आता है, 18 टाइम आता है, तो इट मींस जब 2 को डिवाइड करेंगे 36 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर क्या आ जाएगा, 18। तो जो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, 12/18। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि आप इसी का जो है वो सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएं तो आप कैसे मेक करेंगे उसे, जो आपने फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया आप उसी को ही कॉपी करेंगे, देन डिवाइड की साइन का यूज़ करेंगे क्योंकि डिवीजन मेथड की बात हो रही है। और फिर उन्होंने क्या कहा कि एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसके लिए हम बाय नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो बाय नॉन ज़ीरो मीन्स ज़ीरो के अलावा किसी भी नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 2 को ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो अब मैं किसका यूज़ करने जा रही हूँ, 3 का यूज़ करने जा रही हूँ। ओके, जब मैंने 12 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 4, मीन्स 3 के टेबल में 12 4 टाइम आता है। इसी तरीके से जब 18 को 3 से मैंने डिवाइड किया तो इट मीन्स क्या आंसर आएगा, 6, यानी कि 3 के टेबल में 18 6 टाइम आता है। सो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो मेक कर लिए हैं। जो फर्स्ट वन फ्रैक्शन हमें गिवन है वो है 24/36, देन फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो है 12/18 और सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो 4/6 है। ओके, ये 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारी मेक हो गए हैं और फर्स्ट जो है वो हमें गिवन फ्रैक्शन है। स्टूडेंट हम डिवीजन मेथड में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को किस तरीके से चेक करते हैं, हम सबसे पहले जो फर्स्ट वन गिवन फ्रैक्शन होता है हम सबसे पहले उसको जो है चेक करते हैं कि वो हमारे
टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि जो दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने मेक किए हैं उनमें से किसी एक के बराबर आ रहा है या नहीं. ओके जब 24/36 मैंने राइट किया और मैंने चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात क्लियर कर देती हूँ. तो 24/36 एक टेबल में आता है और वो कौन से टेबल होते हैं, 6 के टेबल में 24 भी आता है और 6 के टेबल में 36 भी आता है. तो इसलिए हम यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 6 के ही टेबल से करेंगे. यानी कि 6 4 24 6 6 36. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4/6. सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जब मैंने गिवन फ्रैक्शन का को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4/6. और जब मैंने यहाँ चेक किया तो जो टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे उसमें से जो लास्ट वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है आंसर मेरा बिल्कुल उससे सिमिलर आ रहा है. तो इट मीन्स जो फर्स्ट वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है यानी कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो मेरा बिल्कुल बराबर है किसके, लास्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के. टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए थे फर्स्ट और सेकेंड, तो वो सेकेंड के बिल्कुल बराबर आ रहा है. नाउ अब हम किसको चेक करेंगे, फर्स्ट वन को चेक करेंगे. और फर्स्ट वन में जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है वो है 12/18. देन हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे. ओके 3 4 12 3 6 18. तो जब हमने फर्स्ट इक्विवेलेंट को चेक किया यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 4/6. सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 4/6 जो हमारा लास्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था वो, देन फर्स्ट को हमने चेक किया तो भी 4/6 आ रहा है, और देन जो गिवन फ्रैक्शन था हमने उसको भी चेक किया तो आंसर क्या आ रहा है, 4/6. तो इट मीन्स जो तीनों फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है, एक जो हमारे पास गिवन था वो और जो दो हमने बनाए थे वो, तो इट मीन्स ये तीनों फ्रैक्शन जो है वो तीनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, मीन्स बराबर है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर. आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए हो. आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया हो कि हम मल्टीप्लिकेशन मेथड का कब और कैसे यूज़ करते हैं और डिवीजन मेथड का कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं. नाउ ओपन योर पेज नंबर 4. ऑन पेज नंबर 4 वी हैव फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम दिस यूनिट एंड वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 इन आर लास्ट क्लास. सो स्टूडेंट इन टूडे क्लास वी वर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर मैथ्स कॉपीज एंड मेंटेन योर पेज लाइक दिस. इसी वे में जो है वो अपने पेज को मेंटेन करेंगे. ओके फर्स्ट राइट डाउन अ कंप्लीट डेट हेयर, देन एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 4. पेज नंबर 4 आपको लाजिम मेंशन करना है. इसी वे में आपको वर्क करना है. वन साइड पे आपको रफ कॉलम मेक करना है यानी कि रफ वर्क जो करेंगे वो हम इस कॉलम में करेंगे. देन मेक अ लाइन प्रॉपरली एंड राइट डाउन अ कंप्लीट क्वेश्चन हेयर. ओके स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है वो है राइट टू फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. यानी कि जो दिया गया आपके पास फ्रैक्शन है आपको उसके टू फ्रैक्शंस बनाने हैं जो कि इक्विवेलेंट हो, मींस उसके बराबर के फ्रैक्शंस बनाने. ओके स्टूडेंट जो फर्स्ट वन हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है वो है 1/2. और फ्रैक्शन को देखते ही आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा यहाँ हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, या हम मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे. ओके और मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब हम सॉल्व करेंगे 1/2. ये आपके पास गिवन फ्रैक्शन है, 1/2 को ही मैंने अगेन कॉपी किया क्योंकि गिवन फ्रैक्शन से ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं. देन मल्टीप्लाई की साइन मैंने यूज़ की क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के ही मेथड की बात हो रही है तो इसलिए मल्टीप्लाई का ही साइन अप्लाई किया जाएगा. और उसके बाद उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप बाय नॉन ज़ीरो नंबर से जो है वो इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ज़ीरो के अलावा आप किसी भी नंबर का यूज़ कर सकते हैं. तो 1 का हम यूजुअली यूज़ करते नहीं हैं तो हम यहाँ किसका यूज़ करने जा रहे हैं, 2 का. और जब हमने 2 का यूज़ किया और देन हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे 2 फ्रैक्शंस की बात की है, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात की है, तो इसलिए हम इसी का ही जो है सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे. और जब हम सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं तो हम यहीं से ही इसको कंटिन्यू करेंगे, मीन्स जो फर्स्ट वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेक किया हम सबसे पहले उसको राइट करेंगे. देन अगेन हम मल्टीप्लिकेशन की साइन यूज़ करेंगे. ओके और 2 का हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो अब हम किसका यूज़ करने जा रहे हैं, 3 का यूज़ करने जा रहे हैं. ओके जब हमने 3 का यूज़ किया तो क्या आंसर आया हमारे पास, 2 3 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12. सो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं हमने 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेक कर लिए. जो फर्स्ट हमारे पास गिवन था वो क्या था, 1/2, और 2 जो हमने खुद से मेक किए हैं वो कौन कौन से हैं, 2/4 एंड 6/12.
ये टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है हमने मेक कर लिए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे जो हमने टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेक किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं या नहीं, वो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं गिवन फ्रैक्शन से या नहीं। तो फर्स्ट वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास क्या आया है, 2/4। और चेक करने का वे क्या है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड अप्लाई करते हैं। 2/4 सेम टेबल में आता है और वो टेबल कौन सा है, 2 का है, तो हम इसे 2 से ही क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। और जब हमने चेक किया हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1/2। सो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं जो गिवन फ्रैक्शन है वो और जो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसका जो आंसर आ रहा है, यानी कि जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर आ रहा है उसका 1/2 आ रहा है। तो इट मीन्स दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को भी इसी तरीके से चेक करेंगे, 6/12। 6/12 में भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 6 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 के ही टेबल में दोनों डिजिट्स आते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, 1/2। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया है और जब हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक किया तो वो बिल्कुल बराबर आ रहा है किससे, जो कि हमारा गिवन फ्रैक्शन है उससे। तो इट मींस जो गिवन फ्रैक्शन है वो और जो टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने खुद से मेक किए हैं वो तीनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल इक्विवेलेंट है, मींस तीनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट हमें क्या गिवन है, 3/4। देन हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, 3/4 आप फ्रैक्शन देखते ही समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड अप्लाई होगा। और वो क्यों होगा, उसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। ओके, तो जब मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड यूज होता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन होगा सबसे पहले हम उसे एज इट इज़ कॉपी करेंगे, देन हम मल्टीप्लीकेशन की साइन को अप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के मेथड की बात हो रही है, और फिर देन हम इसे अगेन 2 से करने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बाय नॉन जीरो नंबर की बात हो रही थी, यानी कि 0 के अलावा हम किसी भी नंबर का यूज़ कर सकते हैं, तो हम 2 का यूज़ करने जा रहे हैं अगेन। स्टूडेंट यहाँ हमसे 2 फ्रैक्शंस की बात की है, यानी कि 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात की है, तो इसलिए हम 2 एंड 3 का ज़्यादातर यूज़ करेंगे। ओके, अगर हमसे 4, 3 या 5 के और भी जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमसे मांगे होते हैं तो हम 2, 3, 4, 5 यानी कि सो ऑन वाली बात करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है हम स्मॉलेस्ट नंबर से करते हैं क्योंकि वो हमें बहुत इजी वे होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का उसका, ठीक है। तो इसलिए मैं 2 का अगेन यूज़ करने जा रही हूँ, 2 3 2 ज़ा या 2 3 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 6/8। देन मैं सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाऊंगी तो मैं यहीं से ही कंटिन्यू करूंगी, यानी कि जो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया उसी से ही आगे कंटिन्यू करूंगी। मैंने उसे कॉपी किया, देन मल्टीप्लाई की साइन यूज़ की क्योंकि मल्टीप्लाई का ही मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम, 2 का यूज़ कर चुकी हूँ, अब मैं किसका यूज़ करूँगी, अगेन मैं 3 का यूज़ करूँगी। और जब मैंने 3 का यूज़ किया और जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 6 3 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 20। सो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो गिवन फ्रैक्शन है वो क्या था हमारे पास, 3/4, और जो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने मेक किए वो कौन कौन से हैं, 6/8 एंड 18/24। ओके, अब हम चेक करेंगे जो हमने 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए हैं वो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं गिवन फ्रैक्शन के या नहीं। तो फर्स्ट वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 6/8। देन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में ही दोनों नंबर्स आते हैं, यानी कि न्यूमिरेटर वाला भी आता है और डिनोमिनेटर वाला भी आता है। तो 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, तो 3/4 आ गया हमारे पास आंसर। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जब फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सेम है किससे, गिवन फ्रैक्शन से। ओके, 3/4 यहाँ आ रहा है और उसको भी जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे भी 3/4 ही आ रहा है। अब मैं सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करने जा रही हूँ, 18/24। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी और क्रॉस मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी, इसको 6 से करूँगी। ओके, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, और आंसर क्या आया, 3/4। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जब मैंने सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जब चेक किया बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से तो वहाँ पर भी मेरा क्या आंसर आ रहा है, 3/4 ही आ रहा है। तो इट मींस
वो भी बिल्कुल बराबर है किसके, गिवन फ्रैक्शन के। तो इट मींस जो गिवन फ्रैक्शन है वो और जो टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने खुद से मेक किए हैं वो तीनों एक दूसरे से बिल्कुल इक्विवेलेंट है, मींस तीनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। तो इट मींस ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको टू पार्ट्स क्लियर कर दिए हैं, देन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट जो है वो आप एज अ होमवर्क करेंगे। ओके बिल्कुल इसी वे में करेंगे, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही आप रफ कॉलम मेक करेंगे, देन इसी के नीचे से ही कंटिन्यू करेंगे। ओके यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे, इसका थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करती चलूँगी कि 7/8 आपको फ्रैक्शन को देखते ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन का ही मेथड अप्लाई होगा। देन आपके पास है 5/9, तो इट मींस यहाँ पर भी आपको क्लियर है कि यहाँ पर भी आपका कौन सा मेथड अप्लाई होगा, जी यहाँ पर भी जो है वो मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड ही अप्लाई किया जाएगा। और लास्ट में जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है वो है 1/12, तो इट मींस यहाँ पर भी कौन सा फ्रैक्शन यूज़ होगा, सॉरी यहाँ पर भी कौन सा मेथड यूज़ होगा, यहाँ पर भी जो है वो मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड ही यूज़ किया जाएगा, जो कि मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके नेक्स्ट क्लास में जो हम वर्क स्टार्ट करेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। सो स्टूडेंट काइंडली कंप्लीट योर होमवर्क एंड कंप्लीट योर रिमेनिंग पार्ट्स इन योर मैथ्स कॉपीज। ओके टुडेज क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू।